हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ओके, माय नेम इज नीरज कुमार गोटवाल, पीजीटी कॉमर्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय सिवान. सो टुडे आई विल टीच यू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर कैपिटल, और वी कैन से अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल. सो लेट्स स्टार्ट बेटा. ओके, तो बेटा सबसे पहले आपके सामने एक पॉइंट आ रहा है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी. बेटा हमें एक चीज़ का पता है कि हमने अभी तक अकाउंटेंसी के अंदर अगर हम बात करें क्लास ट्वेल्थ में, तो हमने अभी तक डिस्कस किया है पार्टनरशिप के बारे में, है ना. पार्टनरशिप के रिगार्डिंग हमने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, फिर हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से पार्टनरशिप के अंदर अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं. देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द फॉर्मेशन एंड द डिस्क्लोजर ऑफ पार्टनरशिप एंड हाउ टू डिजोल्व अ पार्टनरशिप. हमने इन सभी पॉइंट्स पर फोकस किया, लेकिन अब जो हम फोकस करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज़ अ कंपनी. और वी ऑल नो दैट द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड अ कंपनी, है ना. कंपनी का अपना एक अलग से सेपरेट एक्ट है बेटा, उसी तरीके से पार्टनरशिप जो है उसका भी अपना अलग से एक एक्ट था, है ना. हमने जब पार्टनरशिप एक्ट की बात की तो 1932 हमारे सामने निकल कर आया. अब हम जब कंपनी की बात कर रहे हैं तो हमारे सामने क्या कौन सा एक्ट आएगा, कंपनीज एक्ट 2013. इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 था जो बेटा वो इन्फोर्स था. लेकिन आज के टाइम पर अगर हम इंडिया में बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 जो है दैट इज़ इन्फोर्स्ड इन रियल लाइफ ऑफ आवर कंट्री. ओके, तो हम अब बात करेंगे कंपनी के बारे में थोड़ी, कंपनी है क्या, तो इसके डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे. फिर हम बात करेंगे कि कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल के बारे में कि व्हाट इज शेयर कैपिटल, देन व्हाट इज द वेरियस टाइप ऑफ कैपिटल्स इन अ कंपनी. वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस कॉन्सेप्ट. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द कंपनीज डेफिनेशन. ठीक है, तो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट ऑफ 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ. मतलब ऐसी कोई भी कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट या लॉज के अंडर इनकॉर्पोरेटेड है तो हम उसको कंपनी बोल देंगे, दैट इज अ कंपनी सिंपली. अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल ऑफ USA, तो उन्होंने कंपनी को किस तरीके से बेटा रिप्रेजेंट किया कि अ कंपनी इज अ पर्सन आर्टिफिशियल इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आईज ऑफ लॉ. कंपनी बेटा क्या है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. देखो बेटा समझना इस चीज को जरा, जो कंपनी है दैट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन. सबसे पहले इसको आर्टिफिशियल पर्सन बोला है, कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन. जैसे हम लोग नेचुरल पर्सन हैं, एक नेचर के थ्रू एक सिस्टम के थ्रू हम यहाँ क्रिएट किए गए हैं बेटा, उस तरीके से कंपनी जो है वो उस तरीके से क्रिएट नहीं हुई है, उसको आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है. इट इज़ टोटली मैन मेड. ओके, इट इज़ इंटेंजिबल इन नेचर. देखो जो कंपनी है बेटा वो, अब देखो कंपनी की बिल्डिंग हमें दिखाई दे रही है तो हम ये नहीं बोल देंगे कि हाँ ये तो टेंजिबल इन नेचर है, दैट इज अ कंपनीज बिल्डिंग, है ना. वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ कंपनी, कंपनी क्या है, दैट इज इंटेंजिबल इन नेचर. ओके, एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आईज ऑफ लॉ, और इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो इन द आईज ऑफ लॉ ही है. मतलब ये कानूनी तहत, कानून के तहत इसको एक एस्टेब्लिशमेंट मिलती है बेटा, इसलिए हम बोलते हैं कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, और वी कैन से कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद इट्स ओन कॉमन सेल, है ना, इसलिए हम उसको कंपनी बोल देते हैं. ओके, बीइंग अ क्रिएचर ऑफ लॉ इट पोजेसेस ओनली दोज प्रॉपर्टीज विच द चार्टर ऑफ इट्स क्रिएशन कन्फर्स ऑन इट्स आइदर एक्सप्रेसली और इंसिडेंटल टू इट्स वेरी एग्जिस्टेंस, एंड इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट एग्जिस्ट ओनली इन द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ. कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ मतलब कि ये सिर्फ लॉ के तहत ही हमारे सामने क्रिएट की जाती है, इसकी इनकॉर्पोरेशन एक पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग होती है, तो उसी के अंदर हम इसको डिफाइन करते हैं बेटा. क्लियर है? यस, हाँ जी. तो हम आगे अब डिस्कस करेंगे बेटा इसके बारे में कि वेरियस काइंड ऑफ कंपनीज. क्या हमें पता है बेटा कि जब हम कंपनी की बात कर रहे हैं,
कंपनी के अंदर जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसने वेरियस काइंड ऑफ कंपनीज को बेटा डिफाइन किया है, ठीक है। हर एक कंपनी जो है उसकी एक अलग अलग से एक फीचर्स हैं, उसके अलग से कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ उसके अलग से कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन हमें एज़ पर द सिलेबस इन सबको डिटेल में नहीं पढ़ना है। मैं आपको सिंपल इस स्लाइड के ज़रिए ये दिखाना चाह रहा हूँ कि किस किस टाइप की कंपनीज हो सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 21 के अंडर इसको डिफाइन किया गया है। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, सेक्शन 2 सब सेक्शन 21 के अंदर इसको भी डिफाइन किया गया बेटा। देन अनलिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनीज, कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, 1% कंपनी जिसको हम OPC बोल देते हैं बेटा, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज, स्ट्रेचरी कंपनीज, मतलब ये वेरियस काइंड ऑफ कंपनीज हैं जो कि हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में इनको डिफाइन किया गया है और इनके बारे में, इनके फीचर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। ओके, तो अब हम बात करेंगे शेयर की, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, जो हमारा कंपनीज के अंदर हमने जो एक जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है। अब हम उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं बेटा कि व्हाट इज शेयर, शेयर क्या है। तो देखो, मीनिंग एंड टाइप ऑफ शेयर्स के बारे में पहले हम बात कर रहे हैं, उससे पहले हम बात करेंगे कि शेयर है क्या। अब देखो बेटा, शेयर का देखो नॉर्मली मीनिंग देखें तो शेयर का मतलब क्या होता है, हिस्सा, है ना। तो ये वही हिस्सा है, इसका बेसिक मीनिंग हिस्सा है। और इसको हम अगर शेयर कैपिटल में देखें, एक शेयर मार्केट के अंदर देखें, तो बेटा इसका कोई अलग से मीनिंग नहीं निकल के आता है, इसका मीनिंग वही है। अब हमें पता है बेटा कि एक कंपनी जो है, अगर उसको एक लॉन्ग रन बिजनेस करना है तो उसको एक फाइनेंस जो है, जिसको हम बोलते हैं इट इज़ अ लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस, है ना, तो उसकी रिक्वायरमेंट हमेशा पड़ती है। अगर कंपनी को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, पर हमें पता है कि कंपनी को जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है वो ह्यूज अमाउंट में पड़ती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फाइनेंस की रिक्वायरमेंट उस वहाँ पर कंपनी को होती है, उस केस में कोई 1-2% जो है बेटा वो इतना पैसा कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, इतना फाइनेंस को रेज नहीं कर पाते हैं कि उनके कंपनी के जो बिजनेस हैं उनको स्मूथली रन किया जा सके। इसलिए क्या किया जाता है बेटा कि जो कैपिटल है, हमें पता है कैपिटल क्या होती है, है ना, कैपिटल इज़ द अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और ओनर इनटू द बिजनेस फॉर रनिंग इट्स डे टू डे एक्टिविटीज़ और फॉर रनिंग ऑफ इट्स फंक्शनिंग ऑफ द पर्टिकुलर बिजनेस, है ना। तो वो चीज़ हम बोल देते हैं। तो यहाँ पर बेटा वो कैपिटल वही है। तो उस कैपिटल को हम क्या करते हैं कि जो कैपिटल जो लार्ज अमाउंट में हमें चाहिए उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ताकि अलग अलग लोगों से, डिफरेंट लोगों से हम क्या कर सकें, उस पैसे को रेज कर सकें, उस फाइनेंस को रेज कर सकें। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, कंपनी कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इंटू यूनिट्स और पार्ट्स ऑफ इक्वल अमाउंट, ठीक है। जो कैपिटल है एक कंपनी की, वी हैव डिवाइडेड देम इनटू इक्वल पार्ट्स एंड एवरी यूनिट्स और एवरी पार्ट इज कॉल्ड अ शेयर। तो जो एक यूनिट है एक कैपिटल का, उसी को ही हम शेयर बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ सब सेक्शन 84 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, मतलब एक शेयर, एक जो शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी के अंदर है वो, एंड दैट इज इंक्लूडेड इन द स्टॉक, उसको हम शेयर बोल देते हैं नॉर्मली। एंड इट इज एन ओनरशिप सिक्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, जो शेयर है वो एक सिक्योरिटी है, जो है वो कौन सी सिक्योरिटी है, दिस इज अ ओनरशिप सिक्योरिटी। जो भी शेयर हम किसी शेयर होल्डर को देंगे तो वो शेयर होल्डर उस पर्टिकुलर लिमिट तक, जिस लिमिट तक उसने उन शेयर्स को एक्वायर किया है, उस लिमिट तक उस पर्टिकुलर कंपनी का ओनर कहलाता है, ठीक है। हम उसको ओनर ट्रीट करते हैं, ठीक है। उसके पास वोटिंग राइट्स होता है, वो अपनी जो मैनेजमेंट जो होती है, जो मीटिंग्स होती हैं उनमें वो अपने वोटिंग राइट को लेकर के हिस्सेदारी दे सकता है। यस, अब हम बात करें टाइप्स ऑफ शेयर्स की। तो टाइप्स ऑफ शेयर में बेसिकली जो मेन टाइप्स है बेटा, दो टाइप्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स की हम बात करें बेटा, तो इसमें पहले हम बात करेंगे इक्विटी शेयर्स क्या है। तो बोल रहा है इक्विटी शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर टू पब्लिक और इट्स मेंबर। तो मतलब जो इक्विटी शेयर्स हैं वो कौन इशू करता है, जो कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, किसको, तो द जनरल पब्लिक और इट्स मेंबर्स, जो उसके मेंबर्स हैं, सेक्शन 43 में ये बोला गया है। फिर इसमें स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में बेटर डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स को। प्रेफरेंस शेयर्स क्या है बेटा, तो प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच कैरी द फॉलोइंग प्रेफरेंशियल राइट्स। मतलब
प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं, ठीक है। अब वो प्रेफरेंशियल राइट्स है क्या, उनको समझते हैं बेटा। द राइट टू रिसीव डिविडेंड एट अ स्पेसिफाइड रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन द इक्विटी शेयर्स, मतलब इक्विटी शेयर्स को कोई भी डिविडेंड देने से पहले ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का एक राइट होता है कि उनको पहले एक स्पेसिफाइड रेट, जो भी स्पेसिफाई किया जाता है एडवांस में, उस रेट पर उनको डिविडेंड मिले बिफोर द डिविडेंड इज पेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। एंड द राइट टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बिफोर एनीथिंग इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी की हम बात करें कि कंपनी वाइंड अप हो रही है, उस टाइम पर भी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है, किन से पहले, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस दी जाती है कि जो भी कैपिटल की रीपेमेंट है पहले उनको की जाएगी। क्लियर है बेटा? यस। फिर हम बात कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स टू द पब्लिक और इट्स मेंबर, उसमें क्या बोल रहा है कि सेक्शन 43 स्टेट्स दैट एन इक्विटी शेयर इज अ शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब सिंपली क्या बोला गया है कि इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स हैं जो कि प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। ऑब्वियस ही बात है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। तो जो हम प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो और जो चीज़ें प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर नहीं आएंगी तो वो क्या होंगी, वो इक्विटी शेयर्स होंगी, ठीक है। द मेन फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स आर नो प्रेफरेंशियल राइट्स एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिफंड ऑफ कैपिटल। सबसे पहले तो यही बताया गया बेटा, जो इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनके पास कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जो हमने डिस्कस किया था इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, सेकंड पॉइंट बोला जा रहा है नो एश्योरेंस ऑफ डिविडेंड, ठीक है, कि कभी भी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको एश्योरेंस नहीं दी जाती है कि आपको इस साल डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है कंपनी को कि हम जो पैसा हमारे पास आया है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स या गेंस, तो हम उसको फर्दर इन्वेस्ट करेंगे फॉर द वेलफेयरमेंट ऑफ द कंपनी और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंपनी, ठीक है। तो उस केस में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं शायद उनको डिविडेंड ना भी मिले, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी थ्रू वोटिंग राइट। मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास एक वोटिंग राइट होता है और दे कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द लास्ट क्लेमेंट्स ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। इक्विटी शेयर होल्डर मतलब बिल्कुल लास्ट में जो बचता है कंपनी में एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, आप सभी को पेमेंट करेंगे, पहले आउटसाइड लाइबिलिटी जो है, ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, उन सबकी पेमेंट करने के बाद आप बात करेंगे किसकी, प्रेफरेंस शेयर्स की, उनके पेमेंट करेंगे। उसके बाद एट द एंड जो भी कुछ बचता है तो वो हम किनको प्रोवाइड करते हैं, वो हम प्रोवाइड करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर बिल्कुल लास्ट में आएंगे बेटा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज सच शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट। बेटा ये कंपनीज एक्ट 2013 ने बोल दिया है कि इक्विटी शेयर्स को आप डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। ओके, अब हम बात कर रहे हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो बेटा स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है, समझो जरा उस चीज़ को। तो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सब सेक्शन 88 स्वेट इक्विटी शेयर्स आर दोज इक्विटी शेयर्स विच आर इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉइज एट अ डिस्काउंट और फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर्स को हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं बेटा, ओनली स्वेट इक्विटी शेयर्स को, है ना। तो जो स्वेट इक्विटी शेयर, देखो नाम से पता चल रहा है स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट मतलब पसीना, है ना। तो पसीने वाले इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या हुआ कि कंपनी क्या बोलते हैं कि हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो हमारी कंपनी के लिए काफ़ी पसीना बहा रहे हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं, तो क्यों ना उनको हमारी कंपनी के शेयर्स प्रोवाइड किए जाएँ, ठीक है, ताकि वो और मोटिवेट हों और अपने ही फर्म के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी कंपनी के लिए अच्छे से वर्क करें। तो उसमें क्या बोला गया बेटा कि जो स्वेट इक्विटी शेयर्स इस टाइप के शेयर्स होते हैं जो कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 88 के अंदर डिफाइन किए गए हैं, जिनमें क्या बोला गया है कि ये शेयर्स किनको दिए जाते हैं, ये शेयर्स दिए जाते हैं टू द डायरेक्टर्स और द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनीज एट अ डिस्काउंट, ठीक है। तो ये बेटा हमारे क्या होंगे, अपने स्वेट इक्विटी शेयर्स होंगे। यहाँ तक क्लियर है बेटा आपको, है ना। तो बेटा अब एक और स्लाइड के थ्रू हम इनको और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं कि इक्विटी शेयर्स क्या हैं और प्रेफरेंस शेयर्स क्या हैं।
और प्रेफरेंस शेयर्स को हम फर्दर टाइप्स भी इसमें डिस्कस करेंगे बेटा। ओके, तो इक्विटी शेयर्स देखो बेटा आपके सामने दिखाई दे ही रहा है कि इक्विटी शेयर्स जो है वो क्या है, द इक्विटी शेयर्स और ऑर्डनरी शेयर्स, बेटा हम इसको ऑर्डनरी शेयर भी बोल देते हैं इक्विटी शेयर्स को ही, आर दो शेयर्स ऑन विच द डिविडेंड इज पेड आफ्टर द डिविडेंड ऑन फिक्स्ड रेट हैज़ बीन पेड ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तभी मिलता है जब हम डिविडेंड दे चुके हों किनको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। इसके करेक्टरिस्टिक्स देखिए बेटा, नो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, इनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड कभी नहीं मिलता है। डिविडेंड इज पेड आफ्टर द डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट इज पेड ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स उनको पेमेंट करने के बाद इनको डिविडेंड पे किया जाएगा। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, ठीक है, कंपनी ऑन इक्विटी इज पेड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स एंड हैव बीन पेड बैक इन फुल। तो वही चीज़ बोल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स के बाद ही हम इसको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी एंड दीज आर नॉन रिडीमेबल शेयर्स। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं या इक्विटी शेयर्स होते हैं वो नॉन रिडीमेबल इन नेचर होते हैं बेटा। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट एंड दस कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द कंपनी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका वोटिंग राइट होता है और इसलिए वो एक कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, अब हम ये भी आपको बता चुका हूँ मैं कि जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनको हम रियल ओनर ऑफ अ कंपनी ट्रीट करते हैं बेटा, क्लियर है? यस। तो अगला पॉइंट है प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस शेयर्स हम समझ चुके हैं बेटा, इसके दोबारा से हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं एक बार कि फीचर्स क्या हैं। तो फीचर्स या फिर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या हैं, तो समझो बेटा उसको, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है इनको, प्रायोरिटी एज टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इनको प्रायोरिटी मिलती है ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। प्रेफरेंसेस बोल रहा है, प्रेफरेंस एज टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, तो कंपनी जब लिक्विडेट होगी तो इनको प्रेफरेंस दी जाएगी ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। देन जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, इनका कोई वोटिंग राइट नहीं होता जनरली, ठीक है। तो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1988 द प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीमेबल एंड द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच दे कैन बी इशूड इज 10 ईयर। मतलब ये कंपनीज एक्ट जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1988 में, तो उसमें ये बोला गया था कि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो रिडीम हो सकते हैं, ठीक है, उनको रिडीम किया जा सकता है और इनको मैक्सिमम जो है किस 10 ईयर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे काइंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो दे आर वेरियस काइंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जिनको हम डिस्कस करेंगे बेटा वन बाय वन। यहाँ पर देखिए तो बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ क्यूमुलेटिंग ऑफ अ पीरियड ऑफ अ डिविडेंड, सॉरी। तो फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, सेकंड बोलेगा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो फर्स्ट पॉइंट है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, उसमें क्या बोल रहा है बेटा, देखो समझो जरा इस चीज़ को कि दे आर दो शेयर्स ऑन विच द डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट गोज ऑन क्यूमुलेटिंग टिल इट इज ऑल पेड, ठीक है। तब तक ये ऑल पेड नहीं होता तब तक इनका जो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड वो क्यूमुलेट होता रहता है। लेकिन बात करें नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की, तो उसमें देखो बेटा क्या बोल रहा है ये, देखो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनमें क्या बोल रहा है ये कि दीज आर दो शेयर्स ऑन विच द डिविडेंड डज नॉट क्यूमुलेट, उसमें हम डिविडेंड को क्यूमुलेट नहीं करते हैं। तो सेकंड पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन हाउ कैन वी क्लेरिफाई और क्लासीफाई द प्रेफरेंस शेयर्स। फर्स्ट पॉइंट इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड सेकंड पॉइंट इज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। यस, पार्टिसिपेटिंग में क्या बोल रहा है, दिस टाइप ऑफ शेयर्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी एंड सरप्लस एसेट ड्यूरिंग वाइंडिंग ऑफ, ठीक है, जो सरप्लस एसेट्स हैं अपने या सरप्लस प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी है ड्यूरिंग वाइंडिंग अप, उनमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिव शेयर क्या बोल रहा है, दीज शेयर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट एंड डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट इज गिवन, इनको कोई सरप्लस प्रॉफिट नहीं मिलता है, इनको सिर्फ डिविडेंड जो है फिक्स रेट पर वही इनको प्रोवाइड किया जाता है। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में देखो बेटा क्या बोल रहा है ये कि ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन में कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, दे आर टू टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। यस, तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं बेटा, द ओनर्स ऑफ दीज शेयर्स हैव द ऑप्शन टू कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स
एज पर द टर्म्स ऑफ ओजोन। जब हम बात कर रहे हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की, तो नाम से पता चल रहा है कि दीज आर द शेयर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर्स, जिनको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, देन द ओनर ऑफ दीज शेयर्स डू नॉट हैव द राइट टू कन्वर्ट द देयर शेयर इनटू द इक्विटी शेयर्स। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन के बेसिस पे देखें बेटा, तो क्या बोल रहा है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, दीज आर टू बी परचेस्ड बैक बाय द कंपनी आफ्टर सर्टेन पीरियड एज पर द टर्म्स ऑफ इशू। मतलब टर्म्स ऑफ इशू के हिसाब से जो कंपनी है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद अपने जो प्रेफरेंस शेयर्स उनको रिडीम कर लेगी, उनको वापस ले लेगी, ठीक है, किनसे, फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। लेकिन इररिडीमेबल शेयर होल्डर अगर प्रेफरेंस शेयर्स हैं आपके पास, तो देर इज एन दीज आर नॉट टू बी परचेस्ड बैक बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। मतलब अगर आपने इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिए हैं, तो कंपनी आपके शेयर्स को रिडीम नहीं कर सकती, उनको बाय बैक नहीं कर सकती, परचेज बैक नहीं कर सकती, कब तक, टिल इट्स लाइफ टाइम। यस, अब अगले देखो डेफर्ड शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। तो बोल रहा है डेफर्ड शेयर्स इज अ शेयर दैट डज नॉट हैव एनी राइट टू द एसेट्स ऑफ अ कंपनी अंडरगोइंग बैंकरप्सी अंटिल ऑल कॉमन एंड प्रेफर्ड शेयर्स आर टू बी पेड। जब तक हम बाकी शेयर्स को पेमेंट ना करते, दीज शेयर्स आर हेल्ड बाय फाउंडर्स और बिगनर्स ऑफ द कंपनी। जो फाउंडर्स होते हैं कंपनी के या बिगनर्स होते हैं कंपनी के, जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया होता है, उनके पास इनकी जो होल्डिंग्स होती हैं। यस, इसका करेक्टरिस्टिक्स देखिए, रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है डिविडेंड इज पेड आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों पेमेंट करने के बाद ही इनको डिविडेंड की पेमेंट दी जाती है। लास्ट पॉइंट बोल रहा है इसमें, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन कैपिटल ऑन दीज शेयर्स इज रिटर्न्ड आफ्टर कैपिटल इज रीपेड इन बोथ प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स। आप इक्विटी शेयर्स की पेमेंट भी कर चुके हो, प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट भी कर चुके हो, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो सीक्वेंस में डेफर्ड शेयर्स आएंगे जिनके आप पेमेंट करेंगे एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक शेयर एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम टाइप ऑफ शेयर कैपिटल को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।